जी नमस्कार, लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप यूट्यूब चैनल लखनऊ नामा पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आपको सारी जानकारी लखनऊ विश्वविद्यालय की मिलती रहेगी। इस वीडियो में हम आपको राममूर्ति जी से मिलाएंगे। ये लखनऊ विश्वविद्यालय के MSc 4 सेमेस्टर के छात्र हैं, फिजिक्स डिपार्टमेंट से जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको क्या पढ़ना है, क्या इन्होंने पढ़ा था, कैसे टॉपिक्स ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो एंट्रेंस में आते हैं सवाल जिन पे, और कितनी सीटें हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, इसके बारे में राममूर्ति जी हमको बताएंगे। राममूर्ति जी जी, यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय की जो बेसिक फिजिक्स की टोटल सीट है वो 72 सीट्स है। इसमें एंट्रेंस बेसिक जो मेरा हुआ था वो MCQs पैटर्न पे था, उसमें डिजिट क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का था। और रही बात इसके सिलेबस की, जो सिलेबस इसका जैसे कि हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं लगभग वही सिलेबस है, और जो मेजर टॉपिक हैं जैसे कि मैथमेटिकल फिजिक्स हमारा आता है, स्टैटिस्टिक्स आती है, क्लासिकल फिजिक्स आती है, ये इन सब चीज़ों से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और पेपर काफ़ी सही आता है यहाँ का। और बाकी फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी है यहाँ की। फीस स्ट्रक्चर क्या है आपका? फीस स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे जो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने फीस दी थी वो 8,000 के आसपास थी, बाकी अभी नेक्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में वही कम हो गई है, 7,000 के आसपास हो गया। जो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र होते हैं पहले से जिन्होंने UG करके रखा होता है उनके लिए पहले से थोड़ी कम होती है, और जो यहाँ से UG नहीं किए होते 500 या 1,000 रुपये बढ़ के होती है फीस, ऐसा होता है जी। और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि पढ़ लेनी चाहिए, उससे इंटरेस्ट निकल ही जाएगा फिजिक्स का? सर यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स से काफ़ी, और स्टैटिकल मैकेनिक्स हो गया और मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, इन तीनों से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है पेपर का कवर कर लेते हैं। अगर हम लोग इन्हीं तीन फोकस कर लें तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा पेपर। कोई बुक आप रेफर करना चाहेंगे एंट्रेंस के लिए? हाँ, रजिस्टर में से कि हम लोग बुक पढ़ते हैं जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में क्लेबनर एंड कैल्क्यो की पढ़ते हैं, और बुडिस्टी वगैरह भी पढ़ते हैं, और स्टेटिक्स में जैसे कि एस एन घोषाल हो गया, सॉरी एस एन घोषाल नहीं, नाम नहीं याद रहा, एस चंद की एक बुक आती है के लिए कोई बात नहीं, नाम आपको नहीं याद आ रहा है। मेरा एक सवाल है आपसे कि 100 सवाल होते हैं, 100 सवाल में से कितने सवाल हल कर लें, या आपने कितने आपके सही गए थे कि आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन हो गया था? मैंने उस टाइम के लगभग 54 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और मेरी रैंक भी 90 के आसपास आई हुई थी। तो मेरे हिसाब से अगर आप नेगेटिव मार्किंग भी थी उसमें तो आप नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन सही है। अब फिलहाल नेगेटिव मार्किंग लखनऊ विश्वविद्यालय से हट गई है 2 साल में, ये वाला जो बैच आने वाला है इसमें, उससे पहले वाला जो हमारा जूनियर बैच है वहाँ से नेगेटिव मार्किंग हट गई है। तब सही है, अगर आपको लगता है कि मतलब 50 से प्लस मतलब 80 के आसपास करेंगे तो काफ़ी अच्छी रैंक आएगी और अच्छा, मतलब 60-70 प्लस अगर आप जाएंगे तो आपका एडमिशन बिल्कुल फिक्स रहेगा और कंफर्म हो जाएगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन होगा। अच्छा, कुछ और मेजर टॉपिक्स या माइनर जिन पे लगता है कि उसे सवाल रिपीट होंगे? जैसे कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो जाते हैं, जैसे कि उसमें परमिनेंसी वाला टॉपिक है उस पर काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो मेरे हिसाब से उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ना चाहिए बच्चों। और मैथमेटिकल फिजिक्स तो बेसल फंक्शन वगैरह से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंशियल वगैरह हो गया क्वेश्चन, इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अब फैकल्टी कैसे है, आपके टीचर्स कैसे हैं, आपके एक्सपीरियंस क्या रहा? फैकल्टी बहुत अच्छी है, यहाँ के टीचर काफ़ी सपोर्टिव हैं, आपको एक बार जब आप कैंपस आएंगे एडमिशन लेने पर काफ़ी मतलब हेल्पफुल हैं, आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे अच्छे से, और काफ़ी अच्छी फैकल्टी है, जितने भी टीचर हैं काफ़ी सारे अच्छे हैं। मतलब जो BSc का थर्ड ईयर का सिलेबस होता है या पूरा BSc की बात करें तो अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा है तो आपका एंट्रेंस बिल्कुल आराम से निकल जाएगा 100% से। आपको फिर बाहर से कोई बुक भी नहीं पढ़नी, आपने जो उसमें पढ़ रखी है बस उन्हीं को आप रिवाइज कर लीजिए, काफ़ी अच्छा मतलब रैंक आ सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राममूर्ति जी। अगर आपके सवाल होंगे फिजिक्स से MSc फिजिक्स से तो आप कमेंट करिएगा, वो हम राममूर्ति जी से पूछ के उसका जवाब, जो सही जवाब होगा वो हम आपको जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।